नमस्कार, डीजियाना न्यूज निमाड़ में मैं महेंद्र प्रताप चौधरी ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करता हूं। नगर पालिका परिषद बड़भा के राम भरोसे संचालित होने की चर्चा नगर में विगत माह से चल रही है। यह चर्चा इन दिनों सही साबित होती नजर आ रही है। नगर पालिका के राम भरोसे चलने का मुख्य कारण नगर पालिका सीएमओ संतराम चौहान का समय अनुसार विभाग में उपस्थित नहीं होना ज्यादा बड़ा कारण रहा है। नपा विभाग के करीब 50,000 से अधिक की राशि का हेरफेर होने की चर्चा जोरों पर चल रही है। इस राशि का कर्मचारी द्वारा कैशबुक में जमा नहीं करने के साथ ही रसीदें भी नहीं होना पाया गया है। नगर पालिका परिषद द्वारा दीपावली के दौरान नगर में लगने वाली फटाखा दुकानों की नीलामी की गई थी, जिसके अंतर्गत करीब 2,68,000 रुपए की राशि दुकानें नीलाम की थी, जिसकी लगभग 34,000 रुपए की राशि नपा के कैशबुक में जमा नहीं होने के साथ ही इस राशि की रसीदें भी नहीं काटी गई। इसके अलावा नामांतरण शुल्क, विलम्ब शुल्क, मिलना शुल्क की करीब 18,528 रुपए की राशि जमा नहीं होने के उपरांत रसीदें भी नहीं बनाई गई है। वही सूचना के अधिकार के अंतर्गत करीब 1,065 रुपए भी जमा नहीं होने के साथ रसीदों का अभाव पाया गया है, जिसकी जांच नपा सहायक राजस्व निरीक्षक सुंदरलाल चौहान द्वारा की जा रही है। इस अनियमितता में नपा के सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ मंगेंद्र पिता विक्रम सिंह रावत की लापरवाही बताई जा रही है। इस मामले में सीएमओ संतराम सिंह चौहान ने जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मंगेंद्र रावत द्वारा कुछ शुल्क की रसीदें नहीं काटी है, जिसमें वृक्ष काटने के दौरान काटने वाली रसीदें नहीं बनाई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। इसकी जांच चल रही है। मगेंद्र रावत वगैरह ने कुछ, शायद मेरे पास भी शिकायत आई थी, कुछ रसीदें नहीं काटी हैं लोगों से पैसे, इसकी जांच कर रहे हैं। शिकायत आई है कि वो वृक्ष वाली है, वृक्ष काटने हैं, तो जो राशि दी गई है उसकी रसीद वगैरह नहीं। मैं जो भी उसकी जानकारी प्राप्त होगी उस मान से उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कुछ सीएमओ साहब को भी हमने अवगत कराया, इसमें क्या है, नामांतरण विलम्ब और मिलान शुल्क की कुछ रसीदें हैं, और इसमें इसके अंदर कुछ उत्तेजक पदार्थ पटाखा दुकान के संबंध में है, और सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ रसीदें हैं। इसमें हमने अकाउंट शाखा में हमने उसका भरने में मिलान किया गया है। इसमें कुछ 50,000 से अधिक कुछ राशि जो है उसमें जमा नहीं है। हाँ सर, इसमें हमने रसीद कटों का हमने मिलान करा है, पर उसमें कुछ राशि उसमें भरना जो रजिस्टर है उसमें जमा होना नहीं पाया है। केस बुक का सर अभी मुझे ज्ञान नहीं है, मैं हमारे केसर साहब है उनसे मैं पूछ के थोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज़, बड़वाह।